हेलो एवरीवन, कुकिंग शुकिंग विद काजल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब कुछ चटपटा और टेस्टी खाने का मन करे तो फिर बनाइए मसाला सेवई, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और चटपटी बनती है और ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको ही बहुत पसंद आती है। तो चलिए फिर इसकी रेसिपी देखते हैं। मसाला सेवई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में लगभग 3 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाला है। आप चाहें तो इसे बटर या देशी घी में भी बना सकते हैं। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब यहाँ पर आधा बड़ा चम्मच जीरा। जब जीरा हमारा अच्छे से भुन जाए तब हमने यहाँ पर ये 4 से 5 लंबी कटी हरी मिर्च डाली हैं। इस तरीके से आपको मिर्च लेनी है। आप अगर इसको महीन लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। और 4 से 5 कली लहसुन की, जो मैंने फाइनली चॉप करके ली है। इस टाइम पर गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है। जब हमारा लहसुन अच्छे से भून जाए तब मैंने यहाँ पर ये 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं। ये इस तरीके से मैंने कट करके लिए हैं। इसमें प्याज की क्वांटिटी अगर थोड़ी ज़्यादा रखेंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। इसको भी हमें अच्छे से भूनना है, जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। इसको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, बस इसको इतना ही भूनना है। अब यहाँ पर मैंने 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है और 1/2 चम्मच गरम मसाला। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। लगभग 2 से 3 मिनट तक हमें मसालों को अच्छे से भूनना है। जब मसाले अच्छे से भून जाएं, तब मैंने यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ली है। आप इसमें जो चाहें वो वेजिस ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने 1 लार्ज साइज़ का आलू, जो टुकड़ों में कट करके लिया है, और लगभग 3 से 4 चम्मच हरी मटर। ये फ्रोज़न हरी मटर है, आप अगर ताज़ी हरी मटर लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। अब हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब यहाँ पर मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है। अब नमक को भी अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये सारी सब्जियों में अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पर हमें 1/2 कप पानी डालना है इसमें, और आपको इस टाइम पे गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है। अब इसको कवर करके लगभग हमें 5 से 6 मिनट तक इसको कुक करना है। 5 से 6 मिनट के बाद हमें इसको एक बार और चला देना है, क्योंकि अभी हमारी सब्जी जो है वो अच्छे से गली नहीं है। अभी सब्जी कच्ची है तो लगभग अभी हमें इसको 5 से 6 मिनट के लिए और कुक करना है। 5 से 6 मिनट के बाद सब्ज़ी को एक बार हमें और चेक करना है कि ये अभी गली है या नहीं गली है। आलू अच्छे से गल गए हैं, तो इस सब्जी को पकाने में लगभग हमको 10 से 15 मिनट का टाइम लगा था। अब हम इसमें 1 बड़े साइज़ का टमाटर डालेंगे, कटा हुआ। आप चाहे तो इसको पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे पहले डालेंगे तो फिर सब्ज़ी गलने में प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आप इसको इस टाइम भी डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब इसको चलाने के बाद लगभग मैंने यहाँ पर 2 बड़े कप सेवई ली है, जो इसको अच्छे से रोस्ट करके लिया है। आपको इसको रोस्ट करके ही लेना है, नहीं तो ये आपस में चिपकेंगी। इसको भी हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। सेवई अच्छे से मिक्स हो गई है। अब यहाँ पर मैंने 1/4 कप पानी डाला है, और इस टाइम पे आपको गैस की जो फ्लेम है उसको मीडियम टू लो रखना है। अब लगभग हमको इसको 5 से 6 मिनट के लिए कुक करना है। 5 से 6 मिनट के बाद इसको एक बार हमें चला देना है अच्छे से, ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से गल जाए। अब दूसरी तरफ से भी हमें
छः मिनट तक इसको और कुक करना है। छः मिनट के बाद हमारी सेवई अच्छे से गल चुकी है और इसने सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, ये बिल्कुल खिली खिली बनी है। अब हम इसमें कटा हरा धनिया डालेंगे। इसको मिक्स करना है। ये बिल्कुल खिली खिली बनी है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अब इसमें हमें थोड़ा सा नींबू का रस डालना है, लगभग एक छोटा चम्मच हम इसमें नींबू का रस ऐड करेंगे। इससे जो है ये आपस में चिपकेगी नहीं और बहुत ही खिली खिली बनेगी। इसको भी अच्छे से मिक्स करना है ताकि नींबू सारी सिवई में अच्छे से मिक्स हो जाए। हमारी सिवई बनकर बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम सर्व करेंगे। आप इसको बच्चों के टिफ़िन में या शाम की चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार हो जाती है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।